नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारे इस चैनल से एक व्यूवर्स जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो वहां पर उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि अगर हमारी कंपनी का टैक्स हम किसी दूसरी कंपनी से डिपॉजिट करवाते हैं तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम हमारी कंपनी में किस तरीके से करेंगे, और जिस कंपनी ने उस टैक्स को पे किया है वो कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी अपने टेली सॉफ्टवेयर की कंपनी में किस प्रकार से एंट्री पास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर हम बात करें जनरल वाउचर एंट्री पास करने की दोनों अलग अलग कंपनी में तो काफ़ी एक टेक्निकल सा मैटर आ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको जानकारी विद प्रैक्टिकल जर्नल एंट्री के साथ देने वाले हैं, और टैली सॉफ्टवेयर में भी हमने दो अलग अलग कंपनी क्रिएट करी हुई है कि एक कंपनी अगर टैक्स डिपॉजिट करवाती है तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कौन से वाउचर में पास करेगी और उसकी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है, और जिस कंपनी का टैक्स डिपॉजिट हुआ है वो कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि टैली सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री कौन से वाउचर में पास करेगी और किस तरीके से करेगी। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट प्रैक्टिकली रहने वाला है, विशेषकर एक नए और फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए लाइक का बटन तो आप प्रेस कर ही दीजिए। अगर आप इन फ्यूचर भी टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड इसी टाइप की ट्रांजेक्शन से वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए हमने टैली सॉफ्टवेयर में दो अलग अलग कंपनी क्रिएट करी हुई है, दोनों को ओपन कर लिया है। एक कंपनी हमारी MS Enterprises के नाम से, और एक कंपनी हमने ओपन कर रखी है, उस कंपनी का नाम है SS Traders। तो दोस्तों, हम चलते हैं MS Enterprises की कंपनी पे, और यहाँ पर हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, करंट लाइबिलिटीज पे चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो MS Enterprises की बुक्स में CGST टैक्स और SGST टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी बन रही है। तो दोस्तों, लेकिन MS Enterprises के पास किसी भी टाइप से टैक्स डिपॉजिट करवाने की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि हम इसको कैश के थ्रू भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, मतलब किसी भी तरीके से ऑनलाइन हम इसको टैक्स को डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि MS Enterprises के पास फिलहाल ऐसा कोई फंड नहीं है, या इसके पास अभी कोई फिलहाल ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो ये खुद अपना टैक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब इसने सहारा लिया है SS Traders का। अब ये इनकी कोई सिस्टम कंसर्न फर्म भी हो सकती है या कोई अलग तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है। इन्होंने SS Traders से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारा टैक्स है जो एक बार डिपॉजिट करवा दो, हम आपको इसका पैसा लौटा देंगे। तो SS Traders ने MS Enterprises का जितनी टैक्स की अमाउंट बनती थी तो वो डिपॉजिट करवा दी। तो दोस्तों, अब टैक्स चाहे वो GST का टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स का टैक्स हो, चाहे वो TDS के रूप में हो, चाहे वो TCS के रूप में हो, एंट्री ट्रांजैक्शन पास करने का तरीका सभी टैक्स के लिए इक्वल रहने वाला है। और हम एग्जांपल ले रहे हैं GST टैक्स डिपॉजिट करवाने का। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसकी प्रैक्टिकली जर्नल एंट्री को समझना पड़ेगा कि इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक्सेल का फॉर्मेट यूज़ किया है। एक हमने बुक्स ऑफ लिए हुई है MS Enterprises की, और दूसरी हमने लिए बुक्स ऑफ SS Traders की, यानी कि SS Traders जो कंपनी है जिसने टैक्स डिपॉजिट करवाया है वो अपनी बुक्स में एंट्री किस तरीके से पास करने वाली है, और जो MS Enterprises है जिस कंपनी का टैक्स डिपॉजिट हुआ है वो किस तरीके से एंट्री पास करेगी। तो दोस्तों, MS Traders अगर बात करते हैं SS Traders की बुक्स की, तो SS Traders ने टैक्स डिपॉजिट करवाया किसका, MS Enterprises कंपनी का। तो ये अपने बुक्स में एंट्री करने वाली है भी जो टैक्स की अमाउंट है 2286 रुपये, वो MS Enterprises को तो डेबिट करेगी अकाउंट्स को, और मान लीजिए इसने स्टेट बैंक से डिपॉजिट करवाया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करेगी क्रेडिट। ये है SS Traders की कहानी। तो दोस्तों, इसकी एंट्री हम SS Traders की बुक में साथ के साथ हम कर लेते हैं। SS Traders की कंपनी हमारे सामने ओपन है, वाउचर पर हम चलते हैं, और अब ये SS Traders के लिए बन गया पेमेंट वाउचर, तो F5 का हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अब हमें एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा MS Enterprises का। तो इसको हम रखेंगे MS Enterprises। अब बात आती है इसके ग्रुप सिलेक्शन की। तो दोस्तों, अभी हमारा कोई कस्टमर तो है नहीं, हम इसको रूटीन में कोई गुड्स परचेज या सेल इनके साथ करते नहीं हैं, तो आप इसको करेंट एसेट में रख सकते हैं या आप इसको लोन इन एडवांसेस में रख सकते हैं, दोनों पार्ट एसेट साइड का ही है।
तो हम इसको एक बार करेंट एसेट में रखते हैं, या फिर आप इसको लोन इन एडवांसेस में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो अमाउंट है टैक्स डिपॉजिट कराई थी वो है 2286 रुपये की, और 2286 रुपये को हम डेबिट करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे क्रेडिट। अब ये जो स्टोरी बन रही है, ये जो जनरल एंट्री पास हो रही है, वो है एसएस ट्रेडर्स की बुक्स की। तो ये एंट्री हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है एमएस एंटरप्राइजेस की, तो हम टैली में भी एमएस एंटरप्राइजेस को ओपन करेंगे। अब एमएस एंटरप्राइजेस हमारे सामने ओपन है, और इसकी जो ट्रांजेक्शन हम पास करेंगे वो करेंगे जनरल वाउचर में। किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी जो बन रही है वो हम उसको एक बार हम देख लेते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देख रहे हो कि CGST टैक्स के रूप में तो हमारी जो टैक्स बन रहा है वो 1143 रुपये, यानी कि 42.82 रुपये तो हमने राउंड फिगर में 1143 रुपये डिपॉजिट करवा दिया, और सेम SGST टैक्स भी है 1143 रुपये का। तो इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वाउचर पे हम जाएंगे और जर्नल वाउचर में, तो इसलिए हम सबसे पहले हम डेबिट करेंगे जैसा कि हमने इसमें बुक्स में किया हुआ है। तो अब MS Enterprises जो एंट्री पास करने वाला है वो CGST टैक्स और SGST टैक्स को अकाउंट को तो करेगा डेबिट, और SS ट्रेडर्स को करेगा क्रेडिट, क्योंकि SS ट्रेडर्स को पेमेंट करना है। तो इसके लिए जनरल वाउचर में हम CGST टैक्स 1143 रुपये, और वापस हम डेबिट करेंगे SGST टैक्स को 1143 रुपये। और अब हमें यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा SS ट्रेडर्स के नाम से, तो LC हम यूज़ करेंगे SS ट्रेडर्स। और अब बात आती है भी इसका ग्रुप MS Enterprises के बुक्स में क्या रहेगा। तो दोस्तों अब MS Enterprises हम इनका ग्रुप एक बार करंट लाइबिलिटीज में रख देते हैं, और इसको हम नोट एप्लीकेबल करते हैं, और उसके बाद में 2286 रुपये हम SS ट्रेडर्स के यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर हम ये डिटेल लिख सकते हैं कि हमने GST का टैक्स है जो डिपॉजिट करवाया है। अब डिपॉजिट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हमारे फंड की कमी हो सकती है, या नेट की कमी हो सकती है, या हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो अब हमें जमा नहीं करवा सकते, उस कंडीशन में हमें इस टाइप के जर्नल वाउचर की एंट्री पास करनी होती है। वाउचर को करेंगे हम एक्सेप्ट। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम एक बार MS Enterprises की बुक्स में SS ट्रेडर्स का लेजर हम जब ओपन करेंगे, तो MS Enterprises की बुक में SS ट्रेडर्स का जो अमाउंट है वो 2286 रुपये का क्रेडिट आ रहा है। अगर इसी की अगर हम बात करें अपोजिट SS ट्रेडर्स की बुक्स में, तो SS ट्रेडर्स की बुक्स में MS Enterprises का जो बैलेंस आ रहा है वो आप देख रहे हो 2286 रुपये का डेबिट आ रहा है। यानी कि SS ट्रेडर्स ने MS Enterprises से पैसे लेने हैं, और MS Enterprises अपने बुक्स में ये बात शो कर रहा है भी मैंने SS ट्रेडर्स को इतने रुपये का भुगतान अभी करने वाला बकाया पड़ा है, इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।